आर वाचिंग MR न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच। नाजरीन, PTI गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी हवाले से आज हमारे साथ PTI गवर्नमेंट से लिया के शख्सियत सरदार शहाबुद्दीन खान सीहर साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे PTI की 3 साल की हुकूमत कैसी रही और मज़ीद जो है बाकी टाइम जो इस वक्त गवर्नमेंट का मौजूदा बच रहा है उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूं कि PTI की गवर्नमेंट को आज 3 साल मुकम्मल हुए हैं। ऑनरेबल PM साहब ने कल जो है अपनी यूथ के हवाले से एक पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज जो दिया है, मैं पाकिस्तान की बात तो नहीं करता, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं कि इस 3 साल में जो PTI की गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में, अगर रोड सेक्टर की बात करूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन, हेल्थ में, तो जो 3 साल में काम हुआ है इससे पहले मैंने नहीं देखा। मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहा हूँ 4 साल, उसके बाद पिछले 2 अदवार में 10 साल का अगर आप मवाजना करें इन 3 साल में, तो मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं, CM साहब 3 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हेल्थ में, BHUs का अपग्रेडेशन RHC में, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कारपेटेड रोडों का होना, ये पिछले 10 साल में नहीं मिलता। अभी लास्ट टाइम जो PM साहब और CM साहब ने जो ज़िले पैकेज दिया है, तकरीबन कोई 16-17 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो इसी महीने टेंडरिंग हो रही है उनकी, उसमें एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फार्म टू मार्केट रोड्स हो, इसमें एजुकेशन में, कॉलेज सेक्टर में देख रहे हैं। अब इस वक्त हमारे पास 5 कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारी कोई फार्म टू मार्केट रोड्स, कारपेटेड रोड्स, ये RAP 1, RAP 2 अगर देखें तो 10 मेन रोड्स बन चुकी हैं। और मैं अपने हलके की बात करूं कि 37 किलोमीटर कारपेटेड रोड जो नशेब, जो लैया और बखर को टच करता है नशेब में, ये रोड नहीं था। इसी तरीके से लैया करोड़ रोड है, लैया चौकाजम रोड है, चौकाजम टू चुबारा रोड है। इसी तरीके से हेल्थ में चले जाएं तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो चुका है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इसी तरीके से बहुत से BHUs हमारे हैं, मिसाल के तौर पर मेरे हलके में वाड़ा सीढ़ा, शाहपुर और जमाल छपरी, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 BHUs RHC बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, वैसे तो मुल्क हमारी 70-80% ज़रात पे मुनसर है, अगर आप पिछले सालों की नस्बत देख लें तो यहाँ किसान को जो रेट्स मिले हैं शुगर केन में, वीट में, चावल में, जो भी फसलात हुई हैं यहाँ, आज से पहले कभी नहीं मिले। अपोजिशन जो है बेजा प्रोपेगंडा कर रही है कि अगर पिछली गवर्नमेंटों में चला जाए तो किसान को अपनी मर्जी का रेट भी नहीं मिलता था शुगर केन का, 250 से 300 रुपए मन तक हमारी हुकूमत ने किसान को दिए है। इसी तरह वीट में देख लें, गंदम में देख लें, इसी तरह ग्राम, आप जो भी फसल है जो काश्तकार हमारा यहाँ इस एरिए में काश्त करते हैं उसको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं और किसान खुशहाल हो रहा है। तो इंशाल्लाह अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की बात करें तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे डिप्टी कमिश्नर हों, DPO हों, ADCR ADCG, तमाम टीम्स जो है उनके साथ, यानी कि हम सब लोग एक पेज पे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों मुहर्रमुल हराम हमने वो किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा अमन रहा।
कोविड के हवाले से बात करूं तो कोविड में हम तकरीबन पंजाब के नंबर वन पे आए हैं, ये हमारी जो अरेंजमेंट्स थी। तो इसी तरीके से मैं आपके चैनल के हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि इंशाल्लाह दो साल में आप देखेंगे जो पीटीआई का वीएन था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के वीएन के मुताबिक आपको तब्दीली नज़र आएगी। और इंशाल्लाह ये मैं दावा भी करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आइंदा पाँच साल भी हमारी हुकूमत होगी। थैंक यू वेरी मच। You are watching MR News.